हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे दलिया। दलिया दो तीन तरह से बनता है। दलिया की खीर बनती है, दलिया का हलवा बनता है, दलिया की खिचड़ी बनती है, दलिया का मीठा दलिया बनता है, दलिया नमकीन दलिया बनता है। तो आज हम नमकीन दलिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपने मेंबर के हिसाब से दलिया ले लिए हैं और उसे अच्छे से साफ़ सूख कर लिए हैं, फिर उसे भिगा दिए हैं। और उसके उनमें डालने के लिए हम देखिए प्याज लिए हैं, लहसुन, हरी मिर्च लिए हैं, टमाटर लिए हैं। इन सबको हम बारीक काट लेंगे। और अब हम आलू भी लेंगे। आलू भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे सब्जी के लिए आलू काटते हैं उसी तरह से काट लेंगे। थोड़ा हम मटर भी लेंगे, थोड़ा सोयाबीन लेंगे। आपको जो पसंद हो वो सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें गोभी भी पड़ सकता है। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आलू को हम छील के धो के और छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए काट लिए हैं। तो हरी मटर भी डालेंगे। हरी मटर हम सीजन में स्टोर करके पहले से ही रखे हुए थे, उसे हम थोड़ा पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे वो मुलायम हो जाए। और अब हम कुकर लेंगे। कुकर में तेल डालेंगे। तेल आप 2 से 3 चम्मच डालिए। चम्मच तेल डालने के बाद उसमें हम जीरे का तड़का देंगे, आप हींग का भी तड़का दे सकते हैं। फिर जो हम प्याज और लहसुन काट करके रखे हैं उसका तड़का देंगे। तो जब तेल अच्छी तरीके से आ जाए तो फिर उसमें हम देखिए प्याज, इस तरह से प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काट करके रखे हैं। अदरक भी आप डाल सकते हैं। तो इन सबको इसमें हम डालेंगे और ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको हमारे मेथड के हिसाब से बनाइए। दलिया बहुत ही खाने में टेस्टी होगा। ये पेट के लिए बहुत ही पाचक होता है। अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दलिया जिस तरह से मूंग की खिचड़ी खाते हैं उसी तरह से दलिया भी आप बना के खा सकते हैं। दलिया चर्बी को गलाता है, इससे चर्बी कम होती है और मोटापा दूर होता है। तो आप एक टाइम दलिया बना के खा सकते हैं। तो जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर हम उसमें आलू डालेंगे। आलू को भी हम थोड़ा भून लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। और भूनने के बाद इस तरह से देखिए जैसे भून जाएगा, ये देखिए ये भून गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा, तो जब दलिया प्याज थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम बारीक काट लिए हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डालेंगे। इसको गलने तक हम चलाएंगे। जब टमाटर भी हमारा थोड़ा गल जाएगा, तो टमाटर हमारा गल चुका है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक से टमाटर बहुत ही जल्दी गलता है और प्याज भी गलता है। तो जब नमक डालेंगे ना, अब हल्दी डालेंगे। हल्दी भी आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, नमक स्वादानुसार ही डाला जाता है। तो नमक भी आप स्वादानुसार डालिए। थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इस तरह से सारे मसालों को डालने के बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा चलाएँगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, खिचड़ी की तरह ही बनता है ये ना। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल गल के पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे दलिया। दलिया को पहले से हमने भिगा करके रखा है। दलिया बिल्कुल फूल चुका है, इस तरह से देखिए। तो आप इसे अब डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार हमारे मेथड से ज़रूर तैयार कीजिए दलिया और खाइए, और बताइए हमारे इनबॉक्स में कि हमारे मेथड से आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको डालने के बाद थोड़ा हम इसे भी चलाएंगे, जिससे इसमें हल्दी और मसाले का कलर आ जाए और अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से चलाने के बाद देखिए बिल्कुल ये
अच्छे तरीके से मिल गया है। कुकर में ही बनाया जाता है, ये कुकर में बहुत अच्छे तरीके से पकता है, क्योंकि ये हार्ड होता है थोड़ा, ये गेहूं का बनता है दलिया, इसलिए थोड़ा हार्ड होता है, तो इसे कुकर में ही बनाना चाहिए, कुकर में थोड़ा जल्दी पकता है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल ये इसमें मिल गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी हम 1 से 1.5 गिलास डालेंगे, थोड़ा इसे ढक देंगे, थोड़ा अब हाफ से ये हल्का सा पक जाएगा, तब इसे एक बार चला लेंगे अपने हिसाब से, आप भी चला लीजिए। ये देखिए बिल्कुल कितना देखने में टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है, तो ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार बनाइए। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम देखिए पानी डालेंगे, पानी हम 1 से 1.5 गिलास डाले हैं, मतलब पानी जो है कोई भी चीज़, चाहे चावल हो चाहे दलिया हो, उससे 1 से 1.5 अंगुल ऊपर होना चाहिए, ये अंदाज सबसे अच्छा होता है। तो अब इसे हम ढक देंगे। हाँ, अब हम इसमें सोयाबीन भी डालेंगे, आपको अगर पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इसे डालेंगे और मटर डालेंगे, दोनों को डालने के बाद इसे हम ढक्कन लगा करके ढक देंगे, तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जो उसे 3 सीटी आ जाएगी तब हम इसे बंद करेंगे, चला लेंगे, और चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए ये रेसिपी कैसी लगी, आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को, सबको जो है शेयर कीजिए। तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।